please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ पुराने लोग लौट के फिर आ गए, बाजी आप भी आए हैं आज बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन बातचीत लोगों की दुख दर्द और उनकी बातचीत से शुरू होती है, आज भी बातचीत वहीं से शुरू होगी। लोगों के तमाम सारे बातें होती हैं जो वो कहना चाहते हैं वो यहाँ से कहेंगे, बात कहेंगे, लेकिन आज का मुद्दा भी बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लोगों ने कहा कि इतनी बार 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 वही बात क्यों, मुझे लगता है यह कम हुई है बात, अभी भी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं तो रुकती नहीं हैं, घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं। कहीं फरीदाबाद 8 साल की बच्ची, लोग गए थे शादी में शरीक होने, कोई आया और उस बच्ची को उठा ले गया। तमाम घटनाएं हैं, कहाँ का जिक्र करें, कठुआ अपनी जगह है, उन्नाव जैसी घटनाएं भी हैं जो तमाचा हैं, वो भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री की बात से आज हम शुरू करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी कही और जो बात है उसको कहना चाहिए, कहीं से भी हो लेकिन बात अगर अच्छी है तो कही जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति ना हो, सवाल ये है कि राजनीति कौन कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप अपने बेटों से भी पूछें, बेटियों से पूछते हैं कहाँ थी, कब तक लौटोगी, कहाँ थी, अपने बेटों से भी पूछें। और ये बात बिल्कुल 16 आने सही है कि बेटों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे थे, कब तक लौटेंगे, ये सवाल भी बहुत जायज़ है। तो राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कहाँ हो रही है और किसने शुरू की राजनीति, यह सवाल है, बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, जो मुद्दा है उस मुद्दे से बात करेंगे, फिर जनता की तरफ रुख करेंगे। जनता के तमाम सवाल हैं, तमाम बातचीत हैं, मैं उन पर गौर करेंगे। लेकिन सवाल जो आज का है वो ये है कि बलात्कार पर राजनीति करने वालों को क्या लंदन से प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है, ये सवाल है जो हम आज ट्विटर के जरिए पूछ रहे हैं @प्रतीक टीवी, जिसके जरिए आप जवाब दे सकते हैं, अपने जवाब को दीजिए, हम आपके जवाब को आखिर के शो में बताएंगे कि क्या, कैसे, कब, क्यों, क्या जवाब रहे। लेकिन मैं जनता की तरफ रुख करना चाहूँगा, अभी तक मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराऊँ, जनता क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है। जी बहुत दिनों बाद आपसे रुकाया, जी शुरू करता हूँ। देखिए, भारत के अंदर जो बलात्कार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये केवल महिलाओं के गौरव और गरिमा पर ही आघात नहीं है, ये भारत की संस्कृति, जीवन मूल्यों पर एक प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह का व्यक्ति का हम सृजन कर रहे हैं समाज में और किस तरह की मानसिकता में हम जी रहे हैं। कहाँ पहुँचे हम, ये बड़ा सवाल है, कैसे जा रहे हैं, क्या घर हरकतें हैं, क्या घटनाएं हैं, ये तो बात है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी जमीन पे खड़े हैं, ये सवाल है। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। ऑफकोर्स आप बोलना चाह रहे हैं, मैं नाम पहले नाम जानना चाहूंगा आपके साथ। रामेश्वर कोहली, एडवोकेट जी। कहाँ कहाँ के रहने वाले? जम्मू से। जम्मू से कोहली साहब बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है जम्मू की बार को, दैट दे आर द प्रो ये दिस रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज नॉट द रियल फैक्ट। Nobody is from the Jammu is supporting the rapist. Actually, the thing is that it is media who is media is culprit. ये कहना चाहते हैं? No, not media is culprit, but media is being misled by the peoples who are sitting across the border or the peoples who are living in the. आप मुझे कह रहे हैं कि across the border से मुझे कोई deal कर सकता है? No, मुझे कोई deal कर सकता है? आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वो हूँ? You are being misled. मैं बच्चा हूँ। आप कितने सालों से वकील हैं? मैं 26 साल से वकील। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ 26 साल के। आपकी जहन और आपकी अक्ल और आपकी तमाम सारी पढ़ाई को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं 25 साल से आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। आप मेरी सुनिए। You are not gone to the Kathua. Is it? मैं रुके। आप you please come and sit here. Please come and sit here. मैंने आपके टेस्टिमोनियल्स चेक नहीं किए कि whether you are a वकील or not. मैं आप बैठिए। मैं नहीं चेक करना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलता। जी मैं आप कह रहे हैं कि मीडिया मिसलेड कर रहा है। 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ उसके साथ। तो मैं मिसलेड कर रहा हूँ? We are telling that let the truth become investigation should be proper and it should be done by the CBI. National Conference के प्रवक्ता मौजूद हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जनाब, मैं बहुत दुखद बात है, शर्मनाक बात है, 8 साल बच्ची के साथ रेप किया गया है। आजपा को 8 दिन
मंदिर में रखकर एक रेप किया जाता है। और यही इसी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सलाथिया साहब ने जम्मू बार बार बंद करवाया, हाई कोर्ट बंद करवाया और इन्होंने काम करने नहीं दिया वकीलों को, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, तब फिर काम शुरू हुआ दोबारा कोर्ट का। आप तो वकील, आप झूठ बोल, अच्छा झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा। मैं आपसे एक बात आपकी सारी बात सुनूंगा, यू आर अ प्रोफेशनल ना, आप प्रोफेशनलिज्म में विश्वास करते हैं ना, आपकी हमारी आप सब की पूरे देश की सुप्रीम बॉडी सुप्रीम कोर्ट है ना, फटकार लगाती है तो उसके कुछ मायने होते हैं। नॉट दे हैव आस्क एनीथिंग, वो दे आप झूठ बोल रहे हैं, बस आप सच बोल रहे हैं। आई हैव बीन टू द सुप्रीम कोर्ट टुडे इटसेल्फ, नोबडी हैज आस्क्ड फॉर फटकार लगाई। मैं आपको चांस दूंगा, जिस दिन आजपा का मर्डर होता है उसी दिन एकता मंच बनता है जम्मू में, और यही इनका जो पार प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट का, उसने जम्मू बंद करवाया लाल सिंह के साथ मिलकर, और शर्म नहीं आती है बीजेपी वालों को, और मंत्री दो मंत्री इनके मंच में मिलते हैं और उन्हें रैली निकाले जम्मू को बंद करवाया, शर्म नहीं आती इनको, एक 8 साल बच्ची के साथ रेप हो जाता है क्या ये जनता को? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आप देखे मीडिया, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो आजपा के साथ एक चीज पे मुझे आपका एतराज है, यू कैनॉट नेम, आप नाम मत लीजिए, आप डिवाइड मत खींचे, मैं मुझे भी आपसे एक एतराज है, आप नाम ना लीजिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप स्पोक पर्सन हैं, आप नाम बार बार क्यों लेते, मैं आपको चांस दूंगा। जी एग्जैक्टली जो आपने अभी देखा वही प्रधानमंत्री कल रात को वेस्ट मिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में बोल रहे थे, वो केवल ये कह रहे थे कि बलात्कार बलात्कार होता है, रेप रेप होता है, बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक, बहुत दिल्ली में भी बोला, चार दिन पहले दिल्ली में भी बोला, आपने सुना नहीं अरे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, बंद करवाया एक 8 साल की बच्ची के ऊपर, आपको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। अरे मैं महिला होने के नाते ये कह रही हूँ, आप सब लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि बलात्कार बलात्कार होता है, एक 8 साल की बच्ची हो, 2 साल की, अरे 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 आप लोगों की वजह से, मैं आया दीपिका, आई एम कमिंग टू यू। जी राधिका, प्रतीक जी इतना गुस्सा आज जो इनकी आवाज में है भाजपा के प्रवक्ताओं की, कहाँ था वो गुस्सा जब प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे? क्या वो लंदन के प्रधानमंत्री है, क्या वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, कि इस देश की जनता ने जो यहाँ लोग खड़े उन्होंने उनको वोट दिया है? बार बार वो बाहर जाके क्यों बात करते हैं? और मैं एक बार कहना चाहूंगी, पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उठ रही है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई भी जगह हो, कोई भी अखबार हो, वो हमारे पे सवाल उठा रहा है, यूएनओ हो तो वो हम पे सवाल उठा रहा है, क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री है? क्या उनको बाहर जाके बोलने की वजह से, भारतीय नेशनल कांग्रेस की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बोलते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बोलते हैं हमारे टाइम पे इतने कम रेप हुए थे, आपके टाइम पे इतने ज्यादा रेप हुए थे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रेपों की गिनती होती है क्या? प्रतीक जी, एक निर्भया और गुड़िया का रेप जो जम्मू में हुआ है उसकी रेप से कम है क्या? जो रेप को मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सुमेश्वर कोहली मेरा नाम है। सुमेश्वर कोहली जी, आपका स्वागत है। मैंने आज आपको, क्योंकि आप वहाँ खड़े थे, मैंने आपको बुलाया, आप जम्मू से वकील हैं, आप यहाँ आए थे, बहुत बहुत स्वागत है, आप तशरीफ रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी मुझे लग रहा था कि आज इंसानियत की बात करेंगे ये लोग, आज भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए जो घटना हुई है जम्मू के अंदर, उससे ज्यादा जघन्य घटना कोई हो नहीं सकती। हमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उस व्यक्ति, अरे सुन लीजिए आप जब बोल रहे थे एक लफ्ज नहीं बोला मैंने, अरे आपने पूरे कश्मीर को बर्बाद कर दिया, आपने पूरे कश्मीर में अलगाववादियों के हाथ से आपने कश्मीर बेच दिया, आप किसी, आप लड़ते हैं, आप लड़ाते हैं, फारूक अब्दुल्ला ने लड़ाया 1984, किसने लड़ाया किसको? सवाल यह था कि बात कर रहे थे कि रेप की बात होने लगी, किसने किसको लड़ाया, यह है हकीकत। जी मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम ऑफ कोर्स, यहां से मैं पूछूंगा, सुनूंगा आपके। जी देखिए मैं इंसानियत की बात कर रहा था, मैं कह रहा था जो यहां पे पब्लिक खड़ी है, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, हम समाज करवाया भाई साहब, अरे जम्मू हमने बंद कराया, जिन्होंने बंद कराया उनके खिलाफ सरकार ने काम किया, दो दो मंत्री निकाल दिए
और आज अभियुक्त पकड़ के जेल गए, इससे बड़ी बात नहीं। जब मीडिया ने प्रेशर किया लोग सड़कों पे उतरे, तब 3 महीने बाद आप जांच करने की, अरे 3 महीने जिस, अरे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, this is no 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 of course of course no college sir we will please sit down college sir this is not the way ek aadmi ko bolega wahi bolega ji pehle pehle main idhar aana chahta hu tamasha dekh rahe the ek tamasha wo dekha ek tamasha ye ho raha hai kuch kehna chahte ho beta no no you don't want to say anything kuch kehna chahte ho sir bas dekhna chahte hain theek hai ji ye insaniyat in logon ne khatam kar di hai ye pure rajneet sab ek system mein chal rahe hain ye ladne ka time hai kya एक राष्ट्र एक धर्म एक सिस्टम होना चाहिए पूरा का। कि क्या बिना बात में अभी लड़ रहे हैं, उसके बाद वो कर रहे हैं, क्या मतलब है ये आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में क्यों? मैं कॉलेज साहब मैं आऊंगा जी, यासिर मैं स्पीक, लेकिन यासिर समाप्त करें, मैं उसके बाद उधर जाना। देखिए राजनीति इतनी ज्यादा, देखिए राजनीति कहाँ नहीं हो रही है ये बताइए आज हिंदुस्तान के अंदर। क्या धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग? आप सिर्फ इस बच्ची के केस का मतलब नहीं। अरे कौन पटना में किसने राजनीति करी? किसने पटना के अंदर राजनीति करी? मैं मौलाना साहब को लाऊंगा, मौलाना साहब को मैं डिबेट में लाना चाहता हूँ पटना के अंदर। अरे मैं इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति जिस तरीके से, देखिए मौलाना मैं, मुझे इतना अफसोस है मौलाना साहब को मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि धर्म की बात करी वहां पे लोगों ने, वहां पे देश और संविधान की बात करी, इस्लाम को खतरे में बताया और अपने आप को पटना के अंदर, पटना की राजनीति भी तो देख लीजिए। अरे आप पटना की राजनीति नहीं, वो भी इंसानियत की गिरी हुई राजनीति हुई है वहां पे। वहां पे भी लोगों ने ईमान बेचा है, वहां पे भी अपने पसीने को बेचा है, जिन लोगों को 5 लाख मौलवी हजरत को इकट्ठा करके वहां पे भी सौदा किया गया है। अरे आपका बहुत हो गया, आप पर सुनने वाला नहीं है आपका। आप भाजपा के साथ हैं, आप जैसे लोगों ने फंडिंग करी है, फंडिंग करी है आप जैसे लोगों ने, पूछिए मेरे कारण है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वे टू डिस्कस, प्लीज पीछे जी। मौलाना साहब जी जी, साजिद रशीद जी, आपको सबको साजिद जी का ऑफ कोर्स, यासिर जैसे बोला क्या आपने उनको? 10 बार बोला कम टू द टॉपिक, और टॉपिक उनको पता ही नहीं शायद। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, ऐसे बयान प्रधानमंत्री जी देश में भी दे चुके हैं। आपको याद होगा गाय रक्षा के नाम पर दिया था कि कुछ लोग जो है गुंडे किस्म के लोग गाय रक्षा के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। क्या उसके बाद मोमलिंचिंग नहीं हुआ? क्या मुसलमानों को उसके बाद नहीं मारा गया? आज लंदन में जाकर जवाब देते हैं, बोलते हैं, तो क्या इसके बाद में रेप की घटनाएं रुक जाएंगी? आठ बच्चियों के साथ महाराष्ट्र में रेप हुआ जो गुंगी और बहरी थी। गुजरात में 11 साल की बच्ची के साथ। कोहली साहब आप वकील हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पे डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज, मैंने आपको अपना मेहमान बनाया। प्लीज जी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या लंदन में बयान देने से इंडिया में रेप रुक जाएंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या अच्छी बात नहीं है वो? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है वो, अच्छी बात नहीं कि प्रधानमंत्री ने अच्छी बात नहीं कही? अरे घर में बोलिए ना। अच्छा। यहाँ किसने मना किया आपको बोलने से? अच्छा। आप लंदन जाके बोल रहे हैं, इंडिया में बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लंदन के तो प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरी बात आप सुनिए, गुजरात में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, महाराष्ट्र में 8 बच्चियों के साथ लगातार रेप हुआ, सूरत में गुजरात हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, ये सारे जो कुछ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है इनके पीछे खड़ी है। किसके पीछे? इन तमाम कामों के पीछे खड़ी है सरकार। आप कह रहे हैं ये गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है भारत का? बिल्कुल, वर्ल्ड में पूरे जाके बताएंगे, कहेंगे, कह सकते हैं जी जी। सरकार को टारगेट, मैं आपके आपके इनका दिमाग इसका मतलब खराब हो गया है। इन्हें इस तरह के डिबेट में आना नहीं चाहिए। जो सरकार को ब्लेम कर रहा है, सरकार का मुखिया, किस तरह की बात करी है उन्होंने? अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने समाज को जगाने की कोशिश करी है, हमें भी चाहिए। अरे समाज लीजिए पहले, जो जाके एक रेप विक्टिम के बारे में बोलते हैं कि वो निम्न जाति की है, आप लोग सिर्फ समाज को बांटते हैं। सुकन्या रेप
केस का मामला उठेगा, युवराज जिसमें इन्वॉल्व थे। हमारे संस्कार को देखिए, हम नहीं लेते प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है। डू नॉट पॉलिटिसाइज, डू नॉट पॉलिटिसाइज। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था दलित के नाम पर और अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उन्होंने कहा ये रेप पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति कर कौन रहा है? ये राजनीति वहां पे जब कठुआ में कांड हुआ तो किनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? जब दलितों की बात आई जेलों में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो कहानियां बनी, आज नौजवान जेलों में है, कौन किया? अभी जो सेंगर पर बात हुई है, अभी जो नाव कांड में हुआ, ये राजनीति कौन कर रहा है? इस देश में आपको विकास के नाम पर आए थे, आपको विकास के लिए लोगों ने कहा राजनीति में चुना था, आपने 15 लाख देने की बात कही, कहाँ गया? आपने किसानों की बात कही। ये बड़ी शान से कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के कांग्रेस चीफ, जम्मू एंड कश्मीर के कांग्रेस चीफ गुलाम मीर का वीडियो जो है वो सब जगह वायरल है। जो गुलाम मीर भी खड़े हुए थे उस पीड़िता के पक्ष में, और कांग्रेस के लोग भी रैलियां निकाल रहे थे आरोपियों को बचाने के लिए। मैं केवल ये पूरे देश से आज पूछना चाहती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखिए, एक गुड़िया, क्या गुड़िया और क्या निर्भया का रेप, वो जो छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उससे क्या कम है? जो कांग्रेस शासन में रेप हुए वो क्या देखिए कम माने जाएंगे कि पहले ये हुआ था? सवाल ये है प्रतीक जी कि ये रेप रुकेंगे कैसे? आज सुबह एक मिनट तो मानवता आज सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने एक लाइन पढ़ी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि कल तक जो भाई अपनी बहन की पढ़ाई के खिलाफ था, आज वो अपनी गर्भवती बीवी के लिए एक महिला डॉक्टर ढूंढ रहा है। ये सोच जब तक समाज की नहीं बदलेगी तब तक ना रेप रुकेंगे, ना तब तक रेप की पीड़िताओं को इंसाफ मिलेगा। सवाल ये है कि पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? लाइन अगर ये है, नींव अगर ये है, यहाँ से इमारत खड़ी करनी है, तो राजनीति कहाँ पर हुई है? सवाल यही है। बहस में बने रहिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का।